मेरे सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। ताचीन कंप्यूटर चैनल आप सभी का स्वागत करता है। आज का वीडियो कैसे हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं पाइथन का माध्यम से, तो चलिए हम लोग देरी नहीं करते स्टार्ट करें। देखिए यहां पर कुछ लिखा हुआ है, जावा और पाइथन का वर्सेस कंपेयर किया गया है। जावा बहुत पॉपुलर प्रोग्राम, हम लोग सबको जानते हैं। तो जावा का माध्यम से हम लोग ट्विटर, फेसबुक, सी वेदर, बिटकॉइन जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट है कॉइन का, आजकल दोनों बैन हुआ इंडिया में, वीएलसी मीडिया प्लेयर, जीमेल वो तो घर घर परिचित है, मोबाइल एप्लीकेशन, जियो एप्स, क्लाउड बेस एप्स, इस तरह का एप्स हम लोग जावा प्रोग्रामिंग का माध्यम से डेवलप कर चुके हैं। उसी तरह पाइथन का माध्यम से भी कुछ लेटेस्ट एप्स डेवलप हुआ है, जैसे कि इंस्टाग्राम जानते हैं जो बहुत पॉपुलर है। उसी तरह गूगल घर घर परिचित है, वो एप्स भी आपका पाइथन का माध्यम से डेवलप हुआ है। स्पॉटिफाई जो हम लोग म्यूजिक सुन सकते हैं नेट का माध्यम से, वो भी पाइथन का माध्यम से डेवलप हुआ है। नेटफ्लिक्स दैट इज ऑल्सो टीवी प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स, वो भी पाइथन का द्वारा डेवलप हुआ है। ऊबर दैट इज ऑल्सो यू कैन नो वेरी मच पॉपुलर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड टू हायर द कार टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड ऑल्सो ड्रॉप बॉक्स एंड लिफ्ट दैट इज ऑल्सो वेरी मच पॉपुलर इन यूएसए टू हायर द कार। तो चलिए पाइथन का द्वारा भी बहुत तरह का एप्स डेवलप हुआ है। मेरे हिसाब से पाइथन ज्यादा इजी लगता है देन जावा टू राइट द प्रोग्राम। तो कैसे देखा जाए, चलिए स्क्रीन को मैं मिनिमाइज कर रहा हूं। आज का क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम इनपुट 3 पेपर मार्क्स देन कैलकुलेट टोटल पेपर मार्क्स। चलिए 3 पेपर मार्क हम लोग इनपुट करेंगे, उसके बाद उसका हम टोटल कैलकुलेशन करके देखेंगे पाइथन का माध्यम से। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली आप हर बहुत तरह का एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है, उसका माध्यम से आप लिख सकते हैं। मैं यहां पर नोटपैड, सिंपल नोटपैड यूज कर रहा हूं। आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, और सबसे सुइटेबल है पाइचम। पाइचम का द्वारा भी आप पाइथन का प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसके बाद उसको आप पाइथन इंटरप्रेटर का द्वारा उसको आप रन कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहां पर नोटपैड यूज कर रहा हूं, सिंपल नोटपैड। पहले आप नोटपैड में लिख लीजिए, उसको सेव करेंगे, उसका जब सेव करते वक्त सिंपल जो भी नाम आप दीजिए उसका टाइटल आप लिखेंगे py.py। उसके बाद उस प्रोग्राम को आप लेके उन डॉस एनवायरमेंट में जाके पाइथन का इंटरप्रेटर में आप उसको रन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहां जा रहे हैं फाइल के बाद न्यू, स्टार्ट हुआ। कैसे हम लोग 3 पेपर मार्क्स इनपुट करेंगे, उसके बाद उसका टोटल निकालेंगे। चलिए तो पहले हम यहां पर लिख रहे हैं फर्स्ट पेपर मार्क्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, FPM इक्वल टू रॉ अंडरस्कोर इनपुट ब्रैकेट में आप कोई भी मैसेज लिखिए जो मैसेज को देना है, एंटर फर्स्ट पेपर मार्क्स, डबल कोट एंड करिए, ब्रैकेट क्लोज। ये तो सिंपल सा लिखा हुआ, देखिए जो रॉ इनपुट है एक तरह से ये आपका फंक्शन हो गया पाइथन का। आप उसको कॉल कर रहे हैं, उसका माध्यम से आप डाटा इनपुट कर सकते हैं। रॉ इनपुट के माध्यम से आप जो भी डाटा इनपुट कंप्यूटर आपसे आपका माध्यम से करेगा या यूजर का माध्यम से करेगा, वो सभी स्ट्रिंग बेस्ड डाटा टाइप होगा। तो उससे पहले आप उसको आपको लिखना है ब्रैकेट दे के लिखिए इंट, क्योंकि आप जब भी डाटा इनपुट करें वो स्ट्रिंग बेस्ड है, आप चाहते हैं उसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। अगर आप डेसिमल बेस्ड डाटा चाहते हैं तो आपको यहां पर फ्लोट लिखना पड़ेगा। तो उसी तरह से सेकंड आप लिखिए सेकेंड पेपर मार्क, SPM इक्वल टू इंट ब्रैकेट में लिखिए रॉ अंडरस्कोर इनपुट ब्रैकेट में, यहां पर डबल कोट्स दीजिए और लिखिए एंटर सेकेंड पेपर
marks, डॉल कोड एंड। ड्रॉ इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर क्या करेगा कि यूजर का द्वारा डाटा को एक्सेप्ट करेगा, कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा, और जो मैसेज आप लिख रहे हो मैसेज को जब आप रन कराएंगे उस समय आप देख पाएंगे कि क्या मैसेज आपने लिखा है। वो मैसेज को आप रीड करेंगे, रीड करके जो भी डाटा इनपुट करेंगे कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करेगा रॉ इनपुट के माध्यम से, और उसका बाहर आप जो लिखे इंट लिखे उसको आप कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, क्योंकि जो पाइथन में कोई डाटा टाइप होता नहीं है, इसको एक तरह से हम कह सकते हैं टाइप कास्टिंग। जो आप लिख रहे हैं इंट ब्रैकेट रॉ अंडरस्कोर इनपुट विद इन ब्रैकेट डबल कोट्स एंटर सेकंड पेपर मार्क, इस तरह जो लिखा जा रहा है इसको हम लोग कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो उसी तरह से हम लोग लिखेंगे थर्ड पेपर मार्क के लिए TPM, शॉर्ट में लिख दिया थर्ड पेपर मार्क इक्वल टू इंट विद इन ब्रैकेट रॉ अंडरस्कोर इनपुट, यहां लिखिए डबल कोट दीजिए एंटर थर्ड पेपर मार्क, थर्ड पेपर मार्क। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, इनपुट का काम कंप्लीट हो गया। अब जो भी डाटा इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर उसको लेके जो वेरिएबल है उस वहां जाकर स्टोर कर रख रहा है। उसके बाद आपको टोटल निकालना है, तो टोटल यहां लिखे टोटल इक्वल टू FPM प्लस SPM प्लस TPM, क्योंकि अब जो भी डाटा आपका स्टोर है पहला मार्क जो है FPM है, दूसरा सेकंड पेपर मार्क SPM में शॉर्ट में जो आप लिखे वहां पर स्टोर होके, और जो तीसरा पेपर मार्क है वो TPM में स्टोर है। तो तीनों का आपने यहां पर टोटल कैलकुलेशन किया, उसके बाद इसको आप डिस्प्ले कराएंगे प्रिंट, प्रिंट फंक्शन का माध्यम से, और आउटपुट को आउटपुट डिस्प्ले कराएंगे। तो यहां लिखे प्रिंट ओनली प्रिंट विद इन ब्रैकेट, आप यहां दीजिए डबल कोट कर्ली ब्रैकेट प्लस, अगेन ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट प्लस, अगेन ओपन क्लोजिंग ब्रैकेट क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट इक्वल टू ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट डबल कोट्स क्लोज्ड। यहां पर दीजिए डॉट फॉर्मैट, अब ब्रैकेट के अंदर लिखिए जो भी आप आपका जो पहला जो तीन वेरिएबल है उसको आप यहां पर लिखिए, जो पहला जो आपका जो कर्ली ब्रैकेट है वो आप FPM के लिए, दूसरा आपका SPM के लिए, तीसरा गया TPM के लिए। तो यहां लिखिए FPM कॉमा SPM कॉमा TPM कॉमा, और लास्ट फाइनल इक्वल के बाद आप जो कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोजिंग दिए उसका लिए आपको टोटल टोटल का वेरिएबल यहां लिखना पड़ेगा। लिखे टोटल ब्रैकेट कर दिए क्लोज, लीजिए आपका पाइथन का प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। देखिए मेरे हिसाब से चाहे सी हो सी प्लस प्लस हो या जावा हो, पाइथन प्रोग्राम मोस्ट सुइटेबल लैंग्वेज, कितना आसान हुआ लिखने में। आप इसको लिखने के बाद इसको आप सेव करिए, तो फाइल में जाइए, जाके आप सेव में क्लिक करिए, या नाम आप कुछ भी दे दीजिए, मैं दे रहा हूं ABC, कुछ भी नाम दे दीजिए ABC5.py, py ऑलवेज दैट इज एक्सटेंशन आपको लिखना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। अगर py नहीं लिखते हैं तो ये सिंपल नोटपैड का टेक्स्ट एडिटर फाइल हो जाएगा, तो इसलिए आपको .py लिखना पड़ेगा पाइथन के लिए। बस लिखने के बाद इसको आप सेव कर दीजिए, सेव करने के बाद आप DOS में जाइए, DOS एनवायरमेंट में जाने के बाद वहां पर आप पाइथन प्रोग्राम को रन कर पाएंगे। आपको पाइथन इंटरप्रेटर उसके लिए चाहिए, उस पाइथन इंटरप्रेटर का पाथ में जाना पड़ेगा, जाने के बाद आप वहां पर उसको रन कर पाएंगे। तो ये हुआ आज का पाइथन का प्रोग्राम, मैं आशा करता हूं जरूर आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सपोर्ट करिए, थैंक यू, जय हिंद।